हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी भारतीय रेलवे बिहार के रेल यात्रियों को लूट रही है कोच स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले बिहार से जितनी भी ट्रेनें चलती थी सभी में स्लीपर के 10-10 डब्बे होते थे, लेकिन अब उन्हें घटा के 6 किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर स्लीपर के साथ साथ एसी के डब्बों को बढ़ाया गया था, उन्हें भी 6 किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है और यहां पे जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक बिहार सहित देश में चलने वाली सभी LHB कैटेगरी की ट्रेनों में अब स्लीपर के सिर्फ 2 डब्बे होंगे, यानी कि अब स्लीपर की जो यात्रा है उसे ऑफिशियली हमारी भारतीय रेलवे बंद करने जा रही है। दोस्तों, क्या यहां पे आदेश आया है, कब से यह आदेश लागू होगा और बिहार की कौन कौन सी ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी, आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, सिंपली क्लोज करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और रेलवे के इस फैसले पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई बेस्ट का है तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे भारतीय रेलवे के फैसले की बात करें तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन आई है वो दिख रही होगी। ये नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय की तरफ से आई है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि LHB कैटेगरी में जितनी भी ट्रेनें चलती है उनका कोच स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। अभी जो फॉर्मूला है कोच स्टैंडर्डाइजेशन का उसे बदला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी का जो फॉर्मूला है वो बताया गया है। अभी के फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे स्लीपर के 6 से 7 डब्बे होते हैं, थर्ड AC के 6, सेकेंड AC के 2, फर्स्ट AC का 1, जो ऐसा पेंट्री कार होता है उसका 1 डब्बा होता है। इसके अलावा जनरल के 4 डब्बे लगाए जाते हैं, कुल मिला के यहाँ पे 22 डब्बे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो रिवाइज्ड कंपोजिशन है वो भी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे बताया गया है कि अब थर्ड AC के यहाँ पे 10 डब्बे होंगे, सेकेंड AC के 4, फर्स्ट AC का 1, पेंट्री का 1, जनरल के 2 और सबसे खास स्लीपर के 2 डब्बे, जनरेटर कार का 1, विकलांग कोच 1, कुल मिला के 22 डब्बे होंगे। और दोस्तों, यदि हम यहाँ पे कुल मिला के कहें तो स्लीपर क्लास की जो व्यवस्था है अलग अलग ट्रेनों में उसे हमारी भारतीय रेलवे ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब जो हमारी ट्रेनें होंगी जो कि हमारे देश में चलेंगी LHB कोचेस के साथ, उनमें स्लीपर के डब्बे नहीं रहेंगे। अब कुल मिला के मात्र 160 सीटें बचेंगी स्लीपर की बिहार में चलने वाली सभी कैटेगरी की ट्रेनों में, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे साथ तक। जय हिंद, जय भारत।